अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब बैठ, मैं पानी लेके आता हूं। ये लो बेटा। यही है हमारा नालायक बेटा, जो लोगों के पैसे मारता है और उसकी वजह से लोग हमारे पीछे पड़ते हैं। वैसे बाबा, ये इनके साथ तस्वीर में कौन है? बेटा ये उसकी पत्नी है और बच्चा है। जीजू पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। बेटा तुम्हें देख के लगता है कि तुम हमारे नालायक बेटे को जानती हो। नहीं नहीं, वो हमें भी ऐसा लगा था, मैंने जानते हैं। चोरी चकारी के चक्कर में अपना परिवार बिगाड़ दिया, बहू और बच्चा मायके में है और हमें यहाँ अकेले रहना पड़ता है। वो चोरी करते हैं, काया ये सब जानती थी या ये आदमी उसे धोखा दे रहा है? वैसे बाबा, ये वापस कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं बेटा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है वो। अच्छा, वो दरअसल बाबा, हम ना मेडिकल कैंप से आए हैं, शहर के बाहर ही फ्री चेकअप करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ हैं। आप एक काम कीजिए, आप इनका नंबर दे दीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम नौकरी लगवा देंगे। मैं नंबर देता हूँ। बाबा, ये तो फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इनसे बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम चलते हैं, आप ख्याल रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। कली, अब जब तुम हमें खुशखबरी दे ही रही हो तो आज से तुम्हारी नौकरानी की सजा खत्म। क्या दादी साजी, सच में? अरे बैठो, नीचे बैठो। आज से तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, ये कूदना वूदना बंद। जी जी दादी साहब जी। मैं कविता से कह दूंगी, तुम्हारी खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी है। वैसे दादी साहब जी, अभी ना हमरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसी चीजें नहीं खाते, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तुम अभी पौष्टिक आहार खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ। चटर पटर बिल्कुल बंद करना होगा अभी। इससे अच्छा तो हम नौकरानी ही भले थे, कम से कम चटर पटर खा तो लेते थे, अब तो ये घास फूस खाना पड़ेगा। कली, खाते हुए फोन को हाथ नहीं लगाते, दो मुझे। जिसका भी फोन होगा हम बोल देंगे, वो बाद में तुझे कॉल कर लेगा। अरे अगर दादी सास जी ने देख लिया कि देवरानी जी का फोन है तो कहीं ये उनके साथ साथ हमें भी घर से ना निकाल दें। कली, फोन दो हमें। क्या हुआ कली? माँ फोन मांग रही है ना, फोन दो उन्हें। क्या सोच रही हो? ये भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या कर रही हो? उल्टी उल्टी आ रही है। तो खड़ी क्यों हो? जाओ। ये फोन लेके क्यों भागी? किसका फोन था जिसके आते ही कली को उपकाई आने लगी? अरे देवरानी जी, अभी हम दोनों बुरी तरह पकड़े जाते। अब सॉरी सॉरी भाभी, दरअसल हमें आपकी एक मदद चाहिए थी। आपको याद है ना, वो काया ने अपनी और जीजू की फोटो दिखाई थी, हमें वो फोटो चाहिए, आप भेज देंगी क्या? वैसे भाभी, अगर आपको ये सब काम करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको इस हालत में परेशान नहीं करना चाहते। अरे देवरानी जी, हमें ऐसे काम करने में तो बड़ा मजा आता है, आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आपको फोटो भेजते हैं। ठीक है? ठीक है, थैंक यू भाभी।
हम जल्दी से घर चले जाते हैं वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। जी मिस्टर शर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। ये तो दिव्यम जी हैं। वहम हो रहा है कि वो राधिका थी या वो असली में राधिका ही थी। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ राधिका के बारे में और मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। काया ये क्या कर रही हो बेटा? मेरी दादी एक लेप बनाती थी जिससे चोट को बहुत जल्दी आराम मिलता था, तो बस मैं अंकल जी के लिए वही लेप बना रही हूँ। इस लेप से उनकी चोट जल्दी भर जाएगी। अरे वाह, ये सब चीजों का ज्ञान है तुझे। इससे पहले कि राधिका अपनी बेगुनाही का चंडा ले रहा है, मुझे सबके दिलों में जगह बनानी है। ठीक है, तुम ये जड़ी बूटियाँ पीस लो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जग्गू की सेवा करते करते खुद की सेहत बिगाड़ लो। जी दादी। छीती रख। लेप तो मैंने पहले ही मंगा लिया था ऑनलाइन, वही लगा दूंगी मैं अंकल को पैरों में। बस दादी को दिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। आप हमें धक्का क्यों दे रही है? मैंने कब धक्का दिया? मैं तो अपने सही रास्ते जा रही थी, आप ही घूम घूम के अपनी सेल्फी ले रही थी। कुछ भी, एक तो आपने हमें धक्का देकर हमारा फोन तोड़ दिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। अब हम सेल्फी खींचकर अपनी मम्मी को कैसे भेजेंगे? वो कब से हमारे फोटो का इंतजार कर रही है। उन्हें अपनी गर्भवती बेटी का प्रेगनेंसी ग्लो देखना है। हाँ, प्रेगनेंसी शुरू होते ही चेहरे पर ग्लो नहीं आता, उसके लिए कुछ महीने लगते हैं। आपको क्या पता, आप हुई हैं क्या कभी प्रेगनेंट? लाइए अपना फोन दीजिए, हमें अपनी मम्मी को सेल्फी खींच के भेजनी है। मैं क्यों अपना फोन दूं? क्योंकि आपने हमारा फोन गिराया है, तो आप ही हमें अपना फोन देंगी। दीजिए, वरना हम घर में जाके सबको बोल देंगे कि आपने हमें ऐसी हालत में जानबूझकर धक्का दिया। दीजिए। कली जी, अगर आपका फोटो खींच के हो गया होगा तो दे दीजिए मेरा फोन। नहीं, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं आ रही है, हम उस पेड़ के पास जाके फोटो लेंगे। हाँ बस बहुत हुआ, दीजिए मेरा फोन। ये कैसी फोटो निकाली है? आपका ही फोन बेकार है, एक भी अच्छी फोटो नहीं आई है। देवरानी जी, हमने आपको फोटो भेज दिए। कली भाभी का मैसेज, भाभी ने कहा है कि फोटो भेजिए, हम डाउनलोड करके देखते हैं।
फोटो में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। स्काई जेड फोटो स्टूडियो, अरे ये स्टूडियो तो कानपुर में ही है। लगता है स्टूडियो में जाकर ही पता चलेगा इस फोटो का राज और अमर जीजा जी की असलियत। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।